कोटका प्रखंड के पोड़ाड़ी पंचायत अंतर्गत मंगलासाई के एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण को लेकर चार दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा बीजेपी के जिला मंत्री मनोज सरदार को कम मजदूरी एवं कार्य में अनियमितता की शिकायत की गई थी। इसके मद्देनजर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने को लेकर जोरदार विरोध किया गया। विरोध इतना बढ़ गया था कि अंततः कार्य को बंद करा दिया गया। बता दें कि इस विद्यालय का निर्माण कार्य NPCC के द्वारा किया जाना है, मगर निर्माण कार्य की देखरेख जय माता दी कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार के ठीक 10 बजे बीजेपी कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों द्वारा घटिया मटेरियल एवं कम मजदूरी दिए जाने तथा सूचना बोर्ड नहीं लगाने, मजदूरों को ओवरटाइम कराने, बिना DPR के कार्य कराने आदि की मांगों को लेकर जोरदार विरोध किया गया, जिसके बाद कार्य को अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिया गया। ST मोर्चा के जिला मंत्री मनोज सरदार का कहना है कि जब तक मजदूरों को उचित मजदूरी, कार्य में गुणवत्ता, सूचना बोर्ड आदि नहीं लगाया जाता है, तब तक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। विद्यालय के निर्माण को लेकर हम सब विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध है विद्यालय गुणवत्तापूर्ण बने एवं क्षेत्र की धरोहर है जो लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। इंजीनियर रोहित कुमार मंडल ने कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मापदंड के अनुसार बताया जा रहा है। जहां तक मजदूरी का सवाल है, इसके बारे में मुझे नहीं पता।